चली खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया आज सुबह नैनी सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। 8 साल 9 महीने के बाद भी नैनी सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं। जेल से रिहा होने पर उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम करवरिया भी जेल के बाहर मौजूद थी और इसके अलावा कुछ परिवार के लोग, करीबी और साथी समर्थक भी मौजूद रहे। जेल से रिहा होने के बाद में उदयभान ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के चलते झूठे केस में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि दो राजनीतिक दलों की लड़ाई में उनका परिवार साजिश का शिकार हो गया। साथ ही सरकार ने 19 जुलाई को करवरिया को समय से पहले रिहाई के आदेश दिए थे। न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर न्याय प्रक्रिया की बात होती तो हमको जेल ही नहीं आना चाहिए। सही बात तो ये है, हम लोग तो प्रोफाइल में फंसे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा भी हमारे नाम में, और ये भी राजनीतिक षड्यंत्र कहता है था, ये भी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई क्रिमिनल, राजनीति का षड्यंत्र हुए। दो पार्टियों की लड़ाई में 10 साल जेल काटनी पड़ी। रायबरेली के सलून तहसील में जारी 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सीडीओ ने अन्य तहसीलों में भी ऐसी ही गड़बड़ी की आशंका जताई है। आशंका की पुष्टि के लिए उन्होंने जिले भर के जनसेवा केंद्रों की जांच कराए जाने की बात कही और सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए एक टीम गठित की गई है। दरअसल एक गाँव में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना है जिनका उस गांव से कोई भी लेना देना नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद में ग्राम विकास अधिकारी, सीएससी संचालक और साथ ही उनके परिजनों समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर बैंक खातों संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई। मामला एटीएस के संज्ञान में भी है। एटीएस की टीम ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, इसमें एक ग्राम विकास अधिकारी है खंड विकास खंड कलून सलून से, तो उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ उनके एरिया में पूर्व में वर्ष 2023 में जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उसके अंदर काफ़ी अनियमितताएं थी और काफ़ी अधिक संख्या में प्रमाण पत्र जो हैं वो जारी किए गए हैं। जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया उन्होंने तुरंत सूचित किया और उसी को देखते हुए उसके बाद तुरंत जो है एक FIR कराई गई है। जो उस टाइम पे पूर्व में जो वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी रहे थे उनके खिलाफ और उनको जो है निलंबित भी कर दिया गया है। उनके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन भी हो गया है, FIR दर्ज की गई है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अधिवाही की है, कार्यवाही भी चल रही है। और पीलीभीत के बजाज चीनी मिल बरखेड़ा के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। 3 लोग बारात में शामिल होकर बीसलपुर से लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए।